तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सीआरपीएफ में इन दिनों एक भर्ती चल रही है, वॉक इन इंटरव्यू। यदि आप उसमें इच्छुक हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। 14 अप्रैल उसका लास्ट डेट है। बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सीआरपीएफ में अगली भर्ती जो आने वाली है एएसआई स्टेनो के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एएसआई स्टेनो की भर्ती कब तक आ रही है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से इसका आवेदन मांगा जाएगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हाइट वगैरह क्या लगेगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के सामने ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें पदों की संख्या कितनी रहेगी। दोस्तों आप लोगों को शायद मालूम होगा, साल 2020 में एक लिस्ट जारी हुआ था सीआरपीएफ के द्वारा। सीआरपीएफ में कौन कौन से अपकमिंग रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से अपकमिंग भर्ती है, सारी डिटेल उसमें बताया गया था दोस्तों। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स तो आए थे, कुछ रिक्वायरमेंट्स कोविड-19 की वजह से रुक गए थे। यहां पर दोस्तों एएसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में बताया गया है, टोटल पदों की संख्या थी 70। दोस्तों साल 2020 में जब भर्ती ये आने वाली थी तो पदों की संख्या 70 थी, लेकिन अभी 70 के पदों को बढ़ाकर 200 के समथिंग इसमें पद कर दिया गया है, जिससे दोस्तों कॉम्पिटिशन भी कुछ लो होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसमें एजुकेशन क्या मांगा जाता है। ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, केवल 10+2 यानी 12 पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इसमें एक स्किल टेस्ट की आवश्यकता रहती है, यानी टाइपिंग टेस्ट की आवश्यकता रहती है, क्योंकि स्टेनोग्राफर की पद है, आप लोग जानते हो। नीचे पूरा इंफॉर्मेशन यहां पर है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें हाइट क्या लगता है, आप लोगों को यहां पर बताया गया है 165 सेमी मेल कैंडिडेट वालों का, और फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए 155। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसमें दोस्तों रिलैक्सेशन मिलता है सभी कैंडिडेट को, यदि कोई कैंडिडेट इन सभी एरिया से बिलोंग करता है तो। दोस्तों आप लोग पूरा देख लीजिए, आप लोगों के रिगार्डिंग पूरी हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है, पे स्केल क्या रहता है, तो पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के रिगार्डिंग यहां पर बताया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात कर ले दोस्तों इसका आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि काफी लोगों के मन में यही कंफ्यूजिंग है कि इसका आवेदन कब से मांगा जाएगा, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आप सभी को मैं बता दूं, अब आप लोगों का इंतजार की घड़ी खत्म होने वाला है। सीआरपीएफ में दोस्तों अगली भर्ती यही आने वाली है, सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो की भर्ती आएगी एक, और दोस्तों नेक्स्ट एक भर्ती और आएगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। जितने भी स्टूडेंट इन दोनों भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है। अगर बात किया जाए एएसआई स्टेनो की अप्लाई ऑनलाइन डेट क्या है, ऐसे ही दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, तुरंत आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। मई के दोस्तों फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी किए जाने की पूरी संभावना है। इससे रिलेटेड दोस्तों कोई डाउट हो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।